आज गाइस मैं टैक्सी से जा रहा था और फिर रास्ते में एक मेरा फ्रेंड मिल गया, तो उसके बाद मैंने टू व्हीलर का भी सहारा ले लिया और काफी एंजॉयमेंट हो रहा था। गाइस वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शूट करने का अच्छा सा फीचर था, मूवमेंट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए मैं फिर उसके बाद घर आ गया था, टहलने के बाद काम करने के बाद, तो घर में एक चूहा फंस गया था, तो उसका भी वीडियो काफी इधर से उधर कभी उधर से इधर, और इतने बड़े पिंजरे में देखिए लगता है ये बाहर निकल आएगा। मैंने अगर गाइस रिलीफ मैं कोई स्टिक वगैरह मिल जाए तो देखिए स्टिक को भी शायद काटने लगेगा, गुस्सा बहुत तेज होगा क्योंकि ये बंद हो गया है। इसकी बैच यानी को आप लोग लगता है पिंजरा काट समझ सकते हैं, पर कहां ये देखिए गाइस अब ये इधर का ध्यान जो है मैं एक ब्रश ले लिया हूँ, ब्रश इसमें से ये कर रहा हूँ। देखिए देखिए ये ब्रश काट ब्रश भी काट डालेगा लग रहा है कुत्ते के मारे, बड़े बड़े लोग देख सकते हैं। और ये बस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्कुल, और ये पिंजरा को कट करने में लगा हुआ है। अरे फंस गए बच्चे अच्छे अच्छे जिसको काट नहीं पाए तुम्हारे जनरेशन, तो क्या काट लोगे भगवान जाने, फिर भी फंसे रहो अभी कुछ देर बाद तुम्हें मैं फ्री कर दूंगा। इसका गाइस मैं रेस्क्यू जो है थोड़ा घर से डिस्टेंस पे करता हूँ क्योंकि गाइस ये बहुत है और घर में बहुत चीजें कट कर देते हैं, तो हम लोग इसी तरह जब फंस जाता है छोड़ देते हैं, भूख प्यास क्या करूँ, बहुत ही ज्यादा चूहे है घर पे छोटे छोटे से। और चलिए मैं बिना इसको पानी बिना खाना पीना के बिचारा छोड़ने के बाद आप सभी के साथ 24 घंटे लूंगा। और देखिए रिक्शा वगैरह आज पिंजरे में ही बंद था और इसी तरह 8 दिन हो गए। तो गाइस नमस्कार, मैंने जहाँ से पकड़ा था वहाँ का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दूँ कि मैंने यहीं पे चूहे दानी लगाई हुई थी और ये चूहा यहीं पे फंस गया था। वहाँ से आने के बाद और थोड़ा सा थकावट थी तो लगा थोड़ा रेस्टी कर लूँ। ये देखिए गाइस यहीं पे चूहा पानी मैंने घर में रखी हुई है और यहीं पे चूहा ये फंसा था। आई होप आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए खुल जाए और ये यहाँ से भाग जाए, बेचारा फंस गया, अब इसको मुझे छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग इस चूहे को इसको बाहर कितना देर से व्याकुल है, व्याकुल है, व्याकुल है, व्याकुल है भाई, व्याकुल है। देखिए 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 खून बहुत ज्यादा है, इसकी बेचैनी और बेताबी उसको मैंने को आप सभी लोग समझ लीजिए। फीचर उसको कुछ चेंज करने हैं, वीडियोग्राफी की वजह से बहुत ही ज्यादा फोन फुल हो गया है तो वीडियो मेरे नहीं बन पा रहे हैं, एडिटिंग वगैरह में मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। गाइस ये देखिए कैमरा से जैसे ही सही हो जाएगा मैं अपना इसे मैं बैक कैमरे से आप सभी को इसका मूवमेंट को दिखा रहा हूं। उसके बाद मैंने देखिए जहां मैं गया था टहलने तो वहां की भी फोटो आप सभी के साथ ऐड कर दे रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिए। और फिर मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।